हेलो एवरीवन वेलकम टू क्लासेस विद फोनम टुडे विल डू द पोयम फ्रॉम क्लास एट इंग्लिश रीडर बुक हनी डू द नेम ऑफ दिस पोयम इज मकैटी द मिस्ट्री कैट रिटन बाय टी एस इलियट इस पोयम में हम एक कैट के बारे में पढ़ने वाले हैं जो कि एक मिस्ट्री कैट है और उस कैट का नेम है मैकेविटी अब क्या चीजें उसको मिस्ट्री कैट बनाती हैं दैट वी विल एक्सप्लोर इन दिस पोएम एक्चुअली पोएट जो है यहाँ एक कैट को सिंबलाइज करके कुछ क्रिमिनल्स के बारे में हमें बताना चाहता है ऐसे क्रिमिनल्स जो क्राइम को बड़ी सफाई के साथ करते हैं मीन्स पुलिस उनके सबूत ढूंढती रहती है पुलिस को कोई सबूत नहीं मिलता है तो वैसी ही कैट मैकेविटी है जो कि क्राइम करती है बट पुलिस को उसके कोई सबूत नहीं मिलते हैं मीन्स हालांकि कैट कोई क्राइम नहीं करती है कैट इज एन एनिमल और वो कोई क्रिमिनल नहीं है बट यहाँ पर पॉइंट जो है इस कैट के थ्रू जो है किसको क्रिमिनल्स को शो करना चाहते हैं सो लेट स्टार्ट एंड कम टू नो अबाउट मोर थिंग्स अबाउट मैकेविटी बट बिफोर दैट वी विल डू दिस पार्ट बिफोर यू रीड डू यू हैव अ पैट कैट हैव यू एवर नोटिस्ट एनी थिंग मिस्टीरियस अबाउट इट व्हाइट यहाँ पर पूछते हैं कि क्या आपके पास एक पैट कैट है और क्या आपने कभी उसके बारे में कुछ मिस्टीरियस यानी कि कुछ रहस्यमयी नोटिस किया है कि भाई क्या आपने कोई काम ऐसा नोटिस किया है उस कैट का कि जो आपको रहस्यमय लगे इट इज़ नॉट ईजी टू से वेदर एवरी कैट इज़ अ मिस्ट्री और ये कहना ईजी नहीं है कि भाई हर एक कैट मिस्ट्री मिस्ट्री होती है मतलब हर एक कैट ऐसे काम करती है जो रहस्यमय हो बट मकेविटी इज़ वन फॉर श्योर लेकिन मकेविटी तो ऐसी ही है मतलब मकेविटी कुछ काम ऐसे करती है कि जो रहस्यमयी है जो किसी को समझ में नहीं आते हैं इज इट दैट मेक्स हिम अ परफेक्ट मिस्ट्री कैट और वो क्या चीज है जो मिस्ट्री कैट बनाती है रीड द पॉइम एंड फाइंड आउट चलो पोएम को रीड करो और फाइंड आउट करो कि क्या चीजें हैं जो मकेविटी को एक मिस्टीरियस कैट बना देती है मकेविटी इज अ मिस्ट्री कैट कॉल्ड द हिडन पॉ मकेविटी एक मिस्ट्री कैट है और उसको जो है हिडन पो भी कहा जाता है पो मीन्स पंजे छुपे हुए पंजे मतलब वो कुछ क्राइम कुछ काम ऐसे करती है कि भाई कहीं पर उसके निशान भी नहीं मिलते और अगर क्राइम सीन पर कोई उसको ढूंढने जाता है तो उसको वो मिलती ही नहीं है मतलब पुलिस उसके पीछे पड़ी हुई है और पुलिस को वो कहीं नहीं मिलती है किसी भी क्राइम जो सीन होता है या फिर कोई कोई भी प्लेस होता है वहाँ पर वो मिलती ही नहीं है और इसीलिए उसको क्या कहा गया है हिडन पो भी कहा गया है फॉर ही इज द मास्टर क्रिमिनल हु कैन डिफॉल्ट The, defy the law all

क्राइम करती है और क्राइम करते ही किस तरह से वहां उस प्लेस से वो जो है गायब भी हो जाती है द फ्लाइंग स्क्वाड्स डिस्पेयर और जो फ्लाइंग स्क्वाड्स है फ्लाइंग स्क्वाड्स कौन होते हैं अ ग्रुप ऑफ पुलिस रेडी टू मूव इन टू द एक्शन पुलिस का वो ग्रुप जो एक्शन करने के लिए हमेशा रेडी करता रहता है उसके लिए भी वो दुख की वजह बनी हुई है डिस्पेयर बनी हुई है ओके okay, मीन्स इस लाइन से हमें क्या समझ में आ रहा है कि पुलिस को वो मिलती ही नहीं है कितने सारे क्राइम करती है लेकिन उस क्राइम प्लेस पर पुलिस को वो कभी नहीं मिलती है फॉर वैन दे रीच द सीन ऑफ क्राइम मकेविटी इज नॉट देयर और जहां कभी भी कोई क्राइम होता है और उस सीन पर उस प्लेस पर अगर पुलिस पहुँचती है तो मकेविटी उन्हें वहां नहीं मिलती है और सबको पता होता है कि ये मकेविटी ने ही किया है बट मकेविटी उन्हें वहां नहीं मिलती है मकेविटी मकेविटी देर इज़ नो लाइक

क्या है कि अगर हम कोई भी चीज़ ऊपर फेंकते हैं तो वो नीचे अर्थ पर आ जाती है जमीन पर आ जाती है लेकिन वो तो इस तरह से उड़ती है उस प्लेस से अर्थ से इस तरह से उड़ती है कि किसी को पता ही नहीं चलता मतलब कि उसने ग्रेविटी को का लो भी तोड़ दिया यानी कि अर्थ पर तो वो मिल ही नहीं रही है पता नहीं वो कहाँ है अर्थ पर है भी या नहीं है हिज पावर्स ऑफ लेविटेशन वुड मेक अ फ़कीर स्टेयर और जो उसकी जो ये पावर ऑफ लेविटेशन लेविटेशन का मीनिंग क्या होता है फ्लोटिंग इन टू द एयर जो हवा में उड़ने की जो ये उसकी पावर है वुड मेक अ फ़कीर स्टेयर फकीर मतलब संत जो ये संत होते हैं उनको भी वो स्टेयर मतलब घूरने पर यानी कि आप कह सकते हैं कि टकटकी लगाने पर जो है मजबूर कर देती है कि भाई जो फ़कीर होते हैं उनके पास क्या पावर होती है उनके पास हवा में उड़ने की या फिर हवा में बैठे रहने की पावर होती है बट उनसे भी ज़्यादा पावर मकेविटी के पास है कि किस तरह से वो हवा में फ्लोट करती रहती है किसी सीन पर किसी प्लेस पर कोई क्राइम करती है और फिर वहाँ पर एक सेकेंड के अंदर से वहाँ से गायब हो जाती है उसकी जो ये पावर है उसको देख कर, तो जो सेंट हैं जो फ़कीर हैं वो भी सरप्राइज रह गए हैं एंड व्हेन यू रीच द सीन ऑफ क्राइम मैकेविटी इज नॉट देयर वो क्राइम करती रहती है और फिर जब आप जो है क्राइम के सीन पर यानी कि क्राइम किए हुए प्लेस पर पहुंचते हैं तो मैकेविटी आपको वहां पर नहीं मिलती है यू मे सीक हिम द बेसमेंट यू मे लुक अप इन द एयर बट आई टेल यू वंस एंड वंस एंड अगेन मकेविटी इज नॉट देयर चाहे आप उसको बेसमेंट में ढूंढो बेसमेंट मतलब जो अंडरग्राउंड जो एरिया होता है चाहे आप उसको बेसमेंट में ढूंढो या फिर आप उसको हवा में ढूंढो लेकिन मैं आपको

टॉल एंड थिन अब यहाँ पर पॉइंट जो है मकेविटी के फिजिकल अपियरेंस के बारे में बता रहे हैं कि मकेविटी क्या है एक जिंजर कैट है जिंजर कैट इन द सेंस कि उसकी जो बॉडी है वो एक जिंजर जैसी है जिंजर कैसा होता है थिन एंड टॉल तो वो मकेविटी कैट बी वेरी थिन और टॉल है यू वुड नो हिम इफ यू सो हिम फॉर हिज आईज आर संकन इन अगर आपको उसके बारे में पता चल जाएगा मतलब अगर आपको इसका फिजिकल अपीयरेंस पता होगा तभी जा जो है आप उसको देख सकते हैं फोर हिज आईज आर संकन इन अगर हम उसकी आंखों की बात करें तो उसकी आइज क्या है संकन संकन मतलब अंदर धसी हुई अंदर धसी हुई है यू कैन सी इन दिस पिक्चर कि हमारी जो आंखें होती हैं वो बाहर होती हैं लेकिन आप इस पिक्चर में देखो मकेविटी की आंखें कैसी हैं अंदर धसी हुई मतलब पॉइंट यहां पर उसके फिजिकल अपियरेंस बता रहे हैं कि भाई वो कैसी है अगर आपको वो कहीं पर दिखाई भी दे दो हिज ब्रो इज डीपली लाइन विथ थाज हेड इज़ हाईली डॉम्ड उसकी जो ब्रो यानी कि उसकी जो आईब्रोज हैं वो हमेशा डीपली लाइन रहती है विथ थॉट यानी कि जब हम सोचते हैं तो हमारे सोचते टाइम हमारे जो फोर हेड होता है उस पर फ्रॉनिंग हो जाती है ना तो वैसे ही पॉइट कहते हैं कि उसके भी बीच जो आईब्रोज हैं वहां पर फ्रॉनिंग हुई रहती है और अगर हम उसके हेड की बात करें तो वो किसके जैसा एक डॉम के जैसा डॉम इस शेप का होता है ना जो आप मॉस या फिर टेम्पल्स में, में देखते हैं तो डॉम के शेप का उसका हेड है मतलब इस पैरा में पॉइट ने हमें मैकेविटी के फिजिकल अपीयरेंस के बारे में बताया कि भाई वो जिंजर के जैसे टॉल है थिन है उसकी जो आंखें हैं वो अंदर धसी हुई हैं उसकी आईब्रोज हमेशा थॉट के साथ उस, उसके ऊपर लाइन बनी रहती है यानी कि फ्रॉनिंग हुई रहती है और उसका जो हेड है वो एक डॉम जैसा है ठीक है डॉम मतलब इस शेप का उसका हेड बना हुआ है हिज कॉट इज डस्टी फ्रॉम नेग्लेक्ट हिज विस्करस आर अनकॉम्ब उसका जो कॉट है वो डस्टी है डस्टी क्यों है क्योंकि वो क्राइम करने में इतना बिजी है कि भाई वो अपने कपड़ों की तरफ भी ध्यान नहीं दे रहा कि वो कितने गंदे मैले कुचैले हो गए हैं तो पॉइंट कहता है कि नेगलेक्ट करने की वजह से यानी कि इग्नोर करने नेगलेक्ट का मीनिंग होता है इग्नोर इग्नोर करने की वजह से उसके कपड़े बहुत गंदे हो गए हैं हिज विस्करस आर अनटेंशस्ट विस्कर्स क्या होती है मूछे जो लाइन्स की और कैट्स की जो मूछी होती हैं डॉग्स की जो मूछी होती है उन्हें विस्कर्स कहा जाता है जो कि नॉज के पास आपको यहाँ पर ऐसे देखने को मिलेंगे तो कहता है कि उसके जो विस्कर्स हैं वो भी अनकॉम है मतलब उसके पास इतना भी टाइम नहीं है कि भाई वो अपने बालों की कंघी कर पाए हालांकि देखो कैट कंघी नहीं करती है कैट कपड़े भी चेंज नहीं करती है फिर वही यहाँ पर क्रिमिनल्स के लिए बात कर रही हैं पॉइंट ऐसे क्रिमिनल्स जो कि क्राइम करने में बिजी रहते हैं मतलब अपने ऊपर बिल्कुल भी ध्यान वो नहीं देते हैं ओके हिज स्वेज हिज हैड ही स्वेज इज हैड फ्रॉम साइड टू साइड विद मोमेंट्स लाइक अ स्नेक और वो जो है अपने हेड को साइड टू साइड स्वे करती रहती है यानी कि घुमाती रहती है और इस तरह से मूवमेंट करती है जैसे एक स्नेक यानी कि स्नेक इस तरह से मूवमेंट करता है तो उसी तरीके से जो है मूवमेंट करती, करती रहती है इधर उधर 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 चीजों को नोटिस करती रहती है एंड वेन यू थिंक ही इज हाफ स्लीप ही इज ऑलवेज वाइड अवेक और जब आपको लगता है कि वो आधी सोई हुई है तो मैं आपको बता दूं कि वो आधी सोई हुई कभी नहीं होती वो हमेशा जगी हुई रहती है मकेविटी मकेविटी देर इज नो वन लाइक मकेविटी सो तो पॉइंट फिर से उसी लाइन को रिपीट करते हैं कि भाई मकेविटी के जैसा कोई भी नहीं है यहाँ पर आप बता रहा है ना पॉइंट कि वो कितनी क्लेवर है मतलब वो नींद भी इस तरह से लेती है कि भाई हाँ उसके आसपास कुछ होता है तो वो एकदम से जाग जाती है ठीक है फोर ही इज अ फाइंड इन फ्लाइंट शेप अ मॉन्स्टर ऑफ डिप्रेविटी फोर ही इज अफाइंड इन फ्लाइंट शेप फ्लाइन शेप का मीनिंग होता है रिलेटिंग टू अ केट मतलब कैट के शेप में वो एक फाइंड है फाइन मतलब डेवल शैतान है अ मॉन्स्टर ऑफ डिप्रेविटी जो कि मॉन्स्टर है एक बिल्ली के रूप में मॉन्स्टर है जो कि डिप्रेविटी डिप्रेविटी का मतलब होता है मॉरल करप्शन जिसने हर तरह के भ्रष्टाचार किए हैं नैतिक भ्रष्टाचार किए हैं यू मे मेट हिम इन अ बाई स्ट्रीट यू मे सी हिम इन द स्क्र आप जो है

स्टोमक वहां पर नहीं मिलती है सो so, इस पोएम के माध्यम से पोइट हमें जो है क्रिमिनल्स के बारे में बता रहे हैं कि कुछ क्रिमिनल्स बहुत ही ज़्यादा परफेक्टली क्राइम करते हैं और पुलिस उनको नहीं ढूंढ पाती है जिस तरह से मकेबिटी को नहीं ढूंढ पा रही है आई होप यू क्लियर ऑल द थिंग्स अबाउट मकेबिटी प्लीज लेट मी नो इन कॉमेंट सेक्शन लाइक एंड शेयर माई वीडियोज एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर न्यू अपडेट थैंक यू बाय बाय कीप लर्निंग